الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. گزشتہ جمعے بھی ان آیتوں کو پڑھا تھا, دوبارہ میں نے پھر پڑھا ہے. کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں, یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا, یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں, یا کہتے ہیں کہ اسے کوئی اثر ہے, دیوانگی ہے, بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے. اور اگر حق
उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करता तो ज़रूर आसमान और ज़मीन और जो कोई उनमें हैं सब तबाह हो जाते। बल्कि हम तो उनके पास वो चीज़ लाए जिसमें उनकी नामवरी थी, तो वो अपनी इज्जत से ही मुंह फेरे हुए हैं। इस हवाले से आपको ये बताया था कि वो लोग उस जमाने के, उस दौर के, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एतराज करते थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को नहीं मानते थे, उनसे कहा गया तुम जो इनको माज़ल्ला दीवाना कहना चाह रहे हो या कुछ और, सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हें हक और सच पसंद नहीं। हक से मुराद इस्लाम है, कुरान है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सारे अहकाम या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हक हैं, आपकी हर अदा हक है, आपका हर कलाम हक है। तुम्हारे बाप दादा के पास भी अल्लाह का पैगाम आया था, नबी आए थे, किताब आई थी, तुम जो नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे न मानने की वजह यही है कि तुम्हें सच कबूल नहीं। और अगर हक, नबी या दीन ख्वाहिशात की पैरवी करे इन लोगों की, तो फिर जमीन और आसमान और जो कुछ उनमें हैं सब तबाह हो जाते। अल्लाह फरमाता है हम इनके पास वो चीज लाए हैं जिसमें इनकी नामवरी थी। मैंने इसी हवाले से आज दो बातें करनी हैं। हक इंसानी ख्वाहिश के ताबे नहीं है। अल्लाह के कुछ प्यारे ऐसे हैं, हुए हैं, होते हैं, उनकी राय हक के मुताबिक होती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने आपको बताया था 15 अहकाम शरीयत के उनकी राय के मुताबिक आए, यानी जो उनकी राय थी वही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। अल्लाह ने उनको ऐसी सोच दी थी, उसमें औरतों का पर्दा, शराब की हुरमत, मकाम इब्राहिम का मुसल्ला बनाया जाना वगैरह नुमाया है। ख्वाहिश हर बंदे में होती है, मगर हर एक की ख्वाहिश सही नहीं होती है। ख्वाहिश में और राय में फर्क भी है, राय और चीज है, ख्वाहिश और चीज है। हवा अरबी में नफसानी ख्वाहिश को, नफ्स की ख्वाहिश को कहा जाता है, और राय ईमान की जो आपकी कैफियत है अंदर उसके मुताबिक होती है। हक हरगिज ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता, ईमानी राय के मुताबिक होता है। अब इस हवाले से अगर मैं तफसील में जाऊं तो वो बुत परस्त इनकार करने वाले काफिर, वो जुल्म चाहते थे, वो शिर्क चाहते थे, मनमानी चाहते थे। कुरान करीम में ऐसे अकाम आ जाते और लोग उन पर अमल करके कुफर शिर्क जुल्म करते
तो फिर क्या होता? तबाही होती, बर्बादी होती, यही बताया गया कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसकी बनाई हुई कायनात है, इसमें अगर भलाई चाहते हो तो उसका हुक्म मानो, वरना अमन हो सकता नहीं। वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लेते हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना चाहते हैं, ये उन्हीं को बताया जा रहा है कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अगर हो जाए तो फिर दुनिया में सब कुछ तहोबाला हो जाए। इंसान खुद अपनी ख्वाहिश पर शर्मिंदा हो जाता है, अपनी बात पर बाद में उसको पशेमानी होती, हाय मैंने क्या कह दिया यार, कहना तो ये चाहिए था, मैंने ये कह दिया। तो उसकी ख्वाहिश अगर पूरी होने लग जाए तो बताइए अमन रहेगा? कहिए, यही बताया गया। आज इंसान फिर उसी हाल पर है और वही बातें कर रहा है। आज के इंसान को देखा जाए तो जी ये मौलवी तो कुछ करने नहीं देते, ये तो चाहते ही नहीं है कि हम कोई तफरी भी कर सकें, ये भी मना वो भी मना, कुछ भी नहीं करने देते। ये जो इंसान की वक्ती लज्जत और ख्वाहिश, अगर वो शरीयत के ताबे नहीं होगी, उसकी ख्वाहिशात में तहजीब नहीं होगी, तो वो इंसान अपनी ख्वाहिशात से अमन और खुशी हासिल कर सकता नहीं। आइए फहम की बात करूं। एक होता है इल्म, जानना, एक है फहम, समझना। हर एक के फहम और इल्म यकसा नहीं है। मैं समझाता हूं। एक आदमी ने पढ़ा बहुत कुछ है मगर समझ में सब कुछ नहीं आया। पढ़ तो बहुत कुछ लिया मगर समझ में सब कुछ नहीं आया। एक आदमी की समझ बहुत ज्यादा है मगर उसके पास इल्म कम है, जानता कम है। तो पता चला कि इल्म और फहम में तवाजुन ना हो, बैलेंस ना हो, तो बंदा मुतमईन नहीं होता। और ये अल्लाह की देन है, कोई इसमें अपनी तरफ से कोई कमाल दिखा सकता नहीं। अब आपने ये बात मान ली कि सबका इल्म और फहम हम लोगों में एक जैसा नहीं। मसलन हो सकता है मुझे चार बातें ज्यादा आती हों, लेकिन जब मैं बयान करता हूं तो कोई समझने वाला, जिसकी समझ ज्यादा हो, उसको बहुत आसानी से समझ आ जाती हो, और बास को मैं बहुत आसान करके भी समझाऊं उनको समझ नहीं। तो हर एक का हाल एक जैसा। मस्जिद में बैठे हैं आप, जुमा का दिन है, मुझे ईमान से बताएं, अक्ल में, इल्म में, फहम में मेरे नबी जैसा कोई हो सकता है? सोचा जा सकता है? तो जब वो हर लिहाज से बुलंद, फाइक, आला, बेहतर है, तो फिर उनका कोई मुमासिल उन जैसा सोचा भी नहीं जा सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन लोगों का ये ख्याल कि इनको तो कोई पागलपन है माज अल्लाह, तो जो ऐसा सोचते थे क्या गुंजाइश हो सकती है? अल्लाह खुद तरदीद फरमा रहा है, ये तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, ये रूगर्दानी करोगे, रूगर्दानी का मतलब मुंह फेरोगे तो फिर अपना नुकसान करोगे। ये जो कुछ कह रहे हैं वो तो सरापा हक है।
वो सरासर हक है। याद रहे कुरान में, इस्लाम में, नबी की जात में कोई शक। अब एक बात और सुन लें,